यहाँ पर मशहूर राइटर रुडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने जंगल बुक भी लिखी थी, वो यहाँ पर रह चुके हैं 1890s में। और यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मैड जॉय डायरी और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त निखिल। और आज हिंदुस्तान के एक और खूबसूरत हिल स्टेशन पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ। उस हिल स्टेशन का नाम है शिमला। तो कुछ दिन हम शिमला में बिताएंगे और आपको शिमला और उसके आसपास के खूबसूरत नज़ारे, गलियाँ, पहाड़, कैफेज, लोग आपको दिखाएंगे। चलो शिमला। मैं पहली सुबह आई है, कल रात को मैं शिमला पहुंचा था। अभी थोड़ी देर में मॉल रोड आपको घुमाने लेके चलता हूं। आज गांधी जी का बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे टू गांधी जी। सामने व्यू बहुत अच्छा है, दिखाऊं? अरे तो अगले कुछ दिन हम यहीं पर हैं। पूरी कोशिश करूंगा कि शिमला की कुछ खूबसूरत जगह आपको लेके चलूँ। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके बाय। गाइस, तो आज मेरा शिमला में पहला दिन है। कल रात को हम शिमला आए थे, अब दोपहर के बज रहे हैं 12 और मैं आपको लेके जा रहा हूँ माल रोड। और माल रोड में आपको 3-4 पॉइंट्स, आपको खूबसूरत पॉइंट दिखाऊंगा। तो चलते हैं माल रोड की तरफ। तो मैं हूँ शिमला की मशहूर माल रोड पर। कोरोना वायरस के केस काफ़ी बढ़ गए हैं, ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। तो आप देख रहे हो वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट दिख रहे हैं मॉल रोड पे। अगर आप कुछ दिन पहले आते तो ये जगह बिल्कुल सुनसान थी। लेफ्ट साइड में बिंद्रा स्टूडियो, ये बनी थी 1904 में, एस्टैब्लिश्ड इन 1904। मैं बचपन में अपने पिताजी के साथ आया था यहाँ पर। हम खड़े हैं हेरिटेज होटल के बाहर, राइट साइड में होटल है और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत। आप देख रहे होंगे, हमको जाना है उधर चर्च देख रहे हैं। उस चर्च का नाम है क्राइस्ट चर्च और बहुत ही पुराना चर्च है, तो आपको उस तरफ लेके जाएंगे। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी का बर्थडे और मैं हूँ शिमला रिज पर। और यहाँ पर गांधी जी के लिए एग्जीबिशन लगी हुई है सर, गांधी जी की पुरानी फोटोज। गांधी जी कई बार शिमला आए हैं, तो आपको दिखाता गाय। मैं हूँ शिमला रिज पर और ये शिमला की सबसे मशहूर रोड है बाय द वे। यहाँ पे बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ऑलमोस्ट 200 साल पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं इधर। मेरे राइट साइड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत पुराना है यहाँ का इंडियन पोस्ट ऑफिस, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोस्ट ऑफिस इन द कंट्री। ये करीब 1883 से चलता आ रहा है, ऑलमोस्ट 137 साल हो गए। अभी हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, वहाँ की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है और 5 बजे बंद हो जाता है वो, तो ऑलरेडी 3:50 हो रहे हैं, आधा घंटा लगेगा।
पे है सेंट एंड्रयूज चर्च। 1915 के बाद ये एक कॉलेज और एक लाइब्रेरी बन गया। अब यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। 15 बहुत ध्यान से आना, बड़ा डरावने हैं। तो ये है ग्रैंड होटल की एंट्री। कोरोना वायरस के दौरान इसको क्वारंटीन सेंटर बनाया हुआ था, जो भी 2 दिन पहले खाली कर दिया है। सबसे पुराना होटल है, 1820 में बना था ये होटल, करीब 180-200 साल हो गए। करा रहा था शिमला की हेरिटेज वॉक, बट अभी बज रहे हैं 4:15 और यहाँ से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज करीब आधा पौना घंटा दूर है और 5 बजे तक तो बंद हो जाती है। हो सकता है वो बंद ही हो क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है, कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि खुली है बंद है, बट वैसे भी 5 बजे वो बंद हो जाती है। बट वहाँ की इमारत बहुत ही पुरानी है और बहुत ही खूबसूरत है, तो मैं वो आपको दिखाना चाह रहा था। अब देखते हैं रास्ते में कुछ और दिखता है, तो हमें रास्ते में बंदर दिख रहे हैं और इंजीनियर अच्छी नहीं लग रही। और मेरे लेफ्ट साइड में है रेलवे बोर्ड बिल्डिंग, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 125 साल के करीब बिल्डिंग की उम्र हो चुकी है, खूबसूरत बिल्डिंग है। तो मेरे पीछे है गार्टर कैसल, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस अभी इससे ज़्यादा आगे आप जा नहीं सकते हैं, बंद है टूरिस्ट के लिए। और यहाँ पे अब वैसे सरकारी कार्यालय बन चुके हैं। का मशहूर होटल द सेसिल ओबेरॉय, यहाँ पर मशहूर राइटर रुडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने जंगल बुक भी लिखी थी, वो यहाँ पर रह चुके हैं 1890s में। और यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं। तो ये आप इस होटल की काफी हिस्ट्री है। हेरिटेज वॉक करते करते हम आ गए हैं पीटर हॉफ होटल, ये भी काफ़ी पुराना है। और इनके एक लॉन में कैफे है, यहाँ पर थोड़ा चाय कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर इसके आगे आपको फिर एक जगह लेके चलेंगे। उस जगह का नाम है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। स्टडी शिमला के गेट के बाहर, जो कि बंद हो चुका है क्योंकि इस समय हो रहा है 6:00, 5 बजे गेट बंद हो जाता है। तो आज तो हम आपको अंदर से कुछ दिखा नहीं सकते, बट हो सकता है कल या परसों हम यहाँ पर आएंगे और आपको अंदर से पूरा कैंपस दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अब वापस चलते हैं होटल की तरफ, आराम करेंगे, आज काफ़ी वॉक कर ली, तो फिर चलते हैं back to the hotel. Boys and girls, तो ये है शिमला की मशहूर मॉल रोड और मैंने अभी हॉट चॉकलेट लिया है और इन लोगों ने सबने पेस्ट्री खाई है और सब लोग आ गए हैं आज दोबारा वापस, निशिता, कुणाल, साहिल और नकाक्षा। कुछ घंटे घूमेंगे, आपको नाइट लाइफ दिखाते हैं शिमला की। बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेरे को लग रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन में बॉयज़ ही बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं ही नहीं। देखिए कितना सिटी है एंड सारे टूरिस्ट इवन कोविड के बाद भी यहाँ पे बहुत क्राउडेड है। सो दिस इज द
हाईजैक कर लिया है। तो हम हैं शिमला के मेयर साहब के घर के बाहर, महापौर सत्या ठाकुर कौंडल। यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे मेयर साहब यहाँ बैठे हैं। सैटरडे नाइट को मेयर साहब यहाँ ऊपर पार्टी करते हैं और बहुत ही अमेजिंग पार्टी होती है। आप आना वीकेंड्स में, तो यहाँ पे पार्टी में जरूर आना। Thank you.